जय जगन्नाथ दर्शक बंधु बंधुगण, हिंदू धर्म रे गुरु पूर्णिमार विशेष महत्व अछि। हिंदू पंचांग अनुसार आषाढ़ मासर शुक्ल पक्षर पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा पर्व मना जाए। धार्मिक मान्यता अनुसार गुरु पूर्णिमा दिन गुरु को आशीर्वाद प्राप्त करने द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त होइथाय। एहा सहित एही दिन को व्यास पूर्णिमा नामरे मध्य जाना जाए। आउ एही पूर्णिमा एही वर्ष 3 जुलाई सोमवार को पड़ुछि। बंधुगण, पूर्णिमा तिथि माता लक्ष्मी को दिन होइथाय। माता लक्ष्मी पूर्णिमा तिथि रे अवतरण होइथिले। प्रत्येक मनुष्य द्वार रे माता लक्ष्मी पूर्णिमा तिथि रे आसिथांती। जदि सही दिन किसी खास उपाय करा जाए तो माता लक्ष्मी आपण घरे बास करिनेबे। से दरिद्र हेउ अबा धनी समस्त घर को माता लक्ष्मी आसिथांती। बंधुगण, तुलसी तो समस्ते लगाइथांती, किंतु एही कथा बहुत कम लोक जानती। तुलसी गच्छ तले बांधि देबा द्वारा एही गोटिए जिनिस माता तुलसी ठारु सर्वदा आशीर्वाद मिलिथाए। ता सहित माता लक्ष्मी मध्य आकर्षित होइथांती, घर को कष्ट आसे न थाए। बंधुगण, तुलसी गच्छ जदि आपणक घरे लागिछि, एहा आपणक परिवार पई बहुत लाभकारी अटे। तुलसी गच्छ रे देवी लक्ष्मी को निवास माना जाए। नियमित भाबे तुलसी गच्छ पूजा करिले लाभ अवश्य मिलिथाए। वेद पुराण रे एहा विषय रे विस्तार भाबे कुहा जाइछि, किंतु एहा सहित तुलसी गच्छ तळे एही जिनिस बांधिले आउ एही उपाय करिले मां तुलसी को आशीर्वाद मिलिथाए, आपणकु सब खुशी मिलिथाए। बंधुगण, केवल भारत रे नुहे दुनिया रो अनेक स्थान रे तुलसी को पवित्र दृष्टि रे देखा जाय थाए। अनेक औषधीय गुण रे भरी रही थाए तुलसी। अनेक धार्मिक अनुष्ठान एवं तांत्रिक प्रयोग रे एहार उपयोग करा जाय थाए। पुराण रे तुलसी को भगवान विष्णु को पत्नी हेबार गौरव मिलेछि। एही कारण रो तुलसी जगत जननी अटंती। तुलसी को अमृतर प्रतिरूप भी कुहा जाए। जेउठारे तुलसी गच्छ लागी थाए सेठी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर एही त्रिदेवंकर बास होई थाए। तुलसी पूजा करिबा द्वारा महापातक नष्ट होई जाई थाए, जेमिति सूर्य उदय परे अंधकार नष्ट होई जाई थाए। शास्त्र अनुसार जेउ घरे तुलसी हरा भरा रही थाए सेही घरे सुख शांति एवं समृद्धि बने रही थाए। भगवान विष्णु को पूजा एवं प्रसाद रे तुलसी पत्र रहिबा जरूरी अटे, कारण एहा बिना पूजा असंपूर्ण अटे। एही कारण रु सब हिंदू घरे तुलसी गच्छ रहिबा जरूरी अटे। घरे सुख शांति बढ़ेबा पई माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ांतु। प्रायत समस्ते लोक अजानतरे अनेक भूल करि देइथांति। तुलसी मां को पूजा त करिथांति, किंतु ओढ़णी देइ नथांति। एही कारण रे मन को फल प्राप्ति होइ नथाए। बंधुगण, जेउ लोक माने तुलसी को विवाह कराई थांती सेमानक जीवन को केबे भी कष्ट आसी नथाए। शालग्राम एवं तुलसी विवाह कराइबा फल रे कलह पाप दुख एवं रोग दूर होइ थाए। बंधुगण, जदि आपण गुरु पूर्णिमा दिन जल रे किछि टोपा खीर मिसेई मां तुलसी को अर्पण करिवे तो एथि द्वारा भगवान विष्णु को कृपा मिलिथाए। कौन पाइना तुलसी को विष्णु प्रिय माना जाए, सेथि पाई तुलसी रे खीर चढ़ेबार माने हेला भगवान विष्णु को खीर अर्पण करिबा। एही उपाय द्वारा घरे सुख समृद्धि आउ धनर लाभ होइथाए। केवल गुरु पूर्णिमा दिन नाही फ्रेंड्स, एही उपाय को गुरुवार दिन भी करिबा द्वारा जातकरे बृहस्पति ग्रह मजबूत होइथांती आउ घरर सब कलह दूर होइ जाए। बंधुगण, एबे मु आपण को आउ गोटे उपाय कहिबी जहा को करी आपण निजर सब समस्या को दूर करि पारिबे। एही उपाय को आपण पूर्णिमा दिन करि पारिबे, नहले केउ भी गुरुवार दिन आपण करि पारिबे। भल दिन रे करे जैतिबा एही महा उपाय आपण को घर धन धान्य रे भरि देबो। प्रथमे आपण सकाळ उठि स्नान आदि करि स्वच्छ वस्त्र परिधान करि तुलसी गच्छ मूल रे गोटे रंग ढागा बांधि देबे। तापरे आपण को गोटे माटी हांडी आनिबार अछि, सेथिरे आपण को चाउल भरि के रखिबार अछि। चाउल उपरे आपण को सिंदूर गोटे टंकार कॉइन आउ तीनोटी तुलसी पत्र पकेई देबे सेही माटी हांडी रे। तापरे गोटे चुनरी घोडेई देबे। एही सब जिनिस को नै आपण माता लक्ष्मी को पाखकु जिबे आउ निवेदन करिबे,
हे माँ लक्ष्मी, मो जीवन रे धनर कमी को दूर करंतु। आपण को आशीर्वाद मो उपरे आ मो परिवार उपरे सर्वदा बनै रखंतु। दर्शक बंधु, कुहा जाए कि माता लक्ष्मी ही तुलसी रो द्वितीय रूप अटंती। जदि आपण माता लक्ष्मी को प्रसन्न करि देले तो आपण को जीवन रे केबे भी टंकार कमी रहिबो नाही। एही उपाय को आपण पूर्णिमा दिन अवश्य करंतु। दर्शक बंधु, तुलसी रो महत्व विषय तो आपण माने समस्ते जानिथिबे, किंतु अनेक लोक घरे तुलसी गछ को रखी किछि किछि भूल करि दियंती, जेउ द्वारा कि सेमानकु पूजार फल मिलि पारे नाही। बंधुगण, जदि आपणक घरे गोटे रु अधिक तुलसी गछ अछि, आपण आपणक पड़ोसी को देई पारिबे। शास्त्र रे कुहा जायछि, जदि घरे गोटे रु अधिक तुलसी गछ हुए तथा बहुत शुभ अटे। एहा साक्षात माता लक्ष्मी आसीबार संकेत अटे। देवी लक्ष्मी आपणक उपरे बहुत खुशी अछंती। तुलसी गछ को विषम संख्या रे रखिबा उचित अटे, जेमिति कि 3, 5, 7। तुलसीक पाखरे केबे भी शिवलिंग रखिबे नाही एवं गणेशक प्रतिमा भी रखिबे नाही। एहा विनाशर कारण होइथाय। नियमित तुलसी रे दीप लगाइले अनेक पुण्य प्राप्त होइथाय। बंधुगण, शास्त्र रे कुहा जायछि कि माता तुलसीक आशीर्वाद सह मां लक्ष्मीक आशीर्वाद पाइबाकु चाहुथिले तुलसी गछ पाखरे कदळी गछ अवश्य लगांतु। एहाकु सर्वश्रेष्ठ एवं मंगलकारी माना जाय। एथिरे मां लक्ष्मीक सह विष्णुक कृपा मध्य मिलिथाय। बंधुगण, जेउ घरे तुलसी पाखरे एही जिनिस रखा जाय नथाय, सेही करु लक्ष्मी कोष दूररे रहिथांती एवं माता तुलसी भी क्रोधित होइथांती। आपण जेउ कार्य करिवे सेथिरे सफल हेबे नाही। तुलसी गछ पाखरे शाळग्राम अवश्य रखंतु, नचेत खराब समय आपणकु घेरि देबो। शाळग्राम भगवान विष्णुंकर निराकार रूप माना जाइथाय। जेउ घरे तुलसी पाखरे शाळग्राम को रखा जाइथाय, एतिरे माता लक्ष्मीक सह भगवान विष्णुंक कृपा मध्य मिलिथाय। दर्शक बंधु, तुलसी पूजार एही सबु नियम को आपण मानंतु। ताहा सहित दर्शक बंधु, गुरु पूर्णिमा दिन एही उपाय को करी माता लक्ष्मी को आशीर्वाद प्राप्त करंतु। यदि आजिरो वीडियो आपण को भले लागिथिबो, वीडियो टिकु गोटे लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु।